सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे। हिंदी कक्षा में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। आज हम एक कविता पढ़ेंगे। चलिए हम सब बनेंगे तितली। तितली आई नाच दिखाती, तितली आई इतराती इठलाती आई, मीठा मीठा रस पी आई। क्या आपने कुछ यहाँ पे देखा? ज़्यादा कौन सी मात्रा है यहाँ पर? ई। सही कहा, आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। इसे हम बड़ी ई भी कहते हैं। आप जानते हैं, जब हम छोटी ई का इस्तेमाल करते हैं तो हम जल्दी से बोलते हैं ई, और जब हम बड़ी ई बोलते हैं तो हम कैसे उसका उच्चारण करते हैं? ई। तो आज हम पढ़ेंगे ई की मात्रा। देखिए बच्चों, यहाँ पर क धन ई की, ख धन ई खी, ग धन ई गी। इन सभी व्यंजनों में हमने बड़ी ई का स्वर मिलाया है। देख सकते हैं आप किस तरीके से हमने ई की मात्रा लिखी है। बच्चों, ई की मात्रा होती है एक डंडी, और आगे से हम उसे व्यंजन को पकड़ लेते हैं। ठीक है, चलिए कुछ शब्द पढ़ते हैं। जीभ, ईख, चील, सीटी, दीपक। क, क में बड़ी ई की मात्रा, कील, जीभ, खीरा, हीरा, रानी, पानी, चीनी, हाथी, लीची, झील। म, छ, ल में ई की मात्रा, ली, मछली। तो में छोटी ई की मात्रा, तो हम इसे ती नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे? ती। जल्दी से, ती। तितली। आप अंतर समझ पा रहे हैं? छोटी ई में हम जल्दी से उच्चारण करते हैं ती, बड़ी ई में हम थोड़ा खींचते हैं ली। तितली, बकरी, गीदड़, पपीता, खिड़की। यहाँ देखिए, ख में छोटी ई की मात्रा है तो हम इसका उच्चारण जल्दी से करेंगे खी, और की में बड़ी ई की मात्रा है तो हम कहेंगे की। खिड़की, लड़की। ब में छोटी ई की मात्रा, बी। ज, ल में बड़ी ई की मात्रा, बिजली। दीवार, दीपावली। चलिए अब हम एक कहानी पढ़ते हैं। ये कहानी है दो सहेलियों की, मीरा और दीपा। एक लड़की थी मीरा। मीरा बड़ी शरारती थी, हरदम चहकती फिरती थी। मामा जी की भी एक बिटिया थी, नाम था दीपा। तो मीरा के मामा थे और उनकी बेटी का नाम था दीपा, तो दोनों बहनें हुईं। दीपा सीधी सादी थी,
एक दिन मीरा और दीपा बाजार, ज में नुक्ता है तो हम बोलेंगे ज नहीं ज, ज बाजार गई। दीपा ककड़ी, खीरा, पपीता और लीची खरीद कर लाई। मीरा इमली खरीद कर लाई। तभी हवा चल पड़ी, बारिश आ गई। बारिश, उनकी छतरी उड़ गई। दीपा भागकर घर आ गई। मीरा छतरी छतरी कहती भागी और फिसल गई सड़क पर। एक मिनट बच्चों, सड़क पर कीचड़ थी। किसी तरह उठकर मीरा घर आई, आकर चारपाई पर पड़ गई। दीपा ककड़ी, खीरा और पपीता का सलाद बनाकर लाई। इमली की चटपटी चटनी भी बना लाई। खट्टी मीठी होती है ना इमली की चटनी, चटपटी। मीरा झट उठ गई, झट मतलब तुरंत। मिलकर सलाद खाया, चटनी चाटी। मीरा फिर चल दी चहकती मटकती। तो इसमें आपने देखा दोनों बहनों ने एक दूसरे की मदद की, खास करके दीपा। उसने मीरा का ख्याल रखा, उसे अच्छा खाना खिलाया और उसे फिर से ठीक कर दिया। और बच्चों, इससे हमें यह भी सीख मिलती है कि बारिश में हमें भागना नहीं चाहिए, अन्यथा हम गिर सकते हैं। और हमें अच्छा और पौष्टिक खाना खाना चाहिए ताकि हम ताकतवर रहें। धन्यवाद बच्चों, आशा करती हूँ आपको मीरा और दीपा की कहानी पसंद आई होगी। आप भी इस कहानी को पढ़ेंगे और मुझे एक वीडियो भेजेंगे। आपकी वीडियो का मुझे इंतज़ार रहेगा। टाटा।